आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और ये जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है, परंतु अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, परंतु जगत ने उसे नहीं पहचाना। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने ही उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते थे। वे ना तो रक्त से, ना शरीर की इच्छा से और ना मनुष्य की इच्छा से उत्पन्न हुए हैं, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। वचन देहधारी हुआ, उसने अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर निवास किया। हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते पुत्र की महिमा। उसके अनुग्रह की परिपूर्णता से हम सब ने अनुग्रह प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह, क्योंकि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा की गई थी, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, परंतु एकमात्र परमेश्वर पुत्र ने जो पिता की गोद में है उसे प्रकट किया। देखकर जहां की हालत को यूं तरस खाया उसने, छोड़कर आसमां को जमी पर आशियां बनाया उसने, मुंह फेर कर क्यों चला, फिर भी ऐ नादान इंसान तेरी ही खातिर अपने आप को सूली पर चढ़ाया उसने। कुर्बान हो गया वो पापी जहां के खातिर, सूली पे चढ़ गया वो जग के गुनाह के खातिर, जग के गुनाह के खातिर। बख्शी हमें आजादी कुर्बानी मेरे मसीह की, सूली जहां है क्या हालत की है मसीह की, कैसे बयां करूं मैं मुसीबत मेरे मसीह की, कैसे बयां करूं मैं मुसीबत मेरे मसीह की। सुनी जहान है क्या हालत की है मसीह की, कैसे बयां करूं मैं मुसीबत मेरे मसीह की, मुसीबत मेरे मसीह की, मुसीबत मेरे मसीह की। एक धनवान मनुष्य था जो बेंजनी कपड़े और मलमल पहनता था और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था, और लाजर नाम का एक कंगाल घाव से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था, और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, वरन कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे। और ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्ग दूतों ने उसे लेकर इब्राहिम की गोद में पहुंचाया, और वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा, और उसने पुकार कर कहा, हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। परंतु
इब्राहिम ने कहा, हे पुत्र स्मरण कर कि तू अपनी जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तु है, परंतु अब वह यहां शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। और इन सब बातों को छोड़, हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहां से उस पार तुम्हारे पास जाता है वे न तो जा सके और न कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, हे पिता, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, वो उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। इब्राहिम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ता की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता इब्राहिम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उनसे कहा कि जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते तो यदि मरे हुओं में से कोई जी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। प्रभु, इसका अर्थ यह है कि धन से प्रेम करना पाप है? हो नहीं सकता कि ठोकरे न लगे, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वह आती है, जो इन छोटों में से किसी एक को ठोकर खिलाता है, उसके लिए यह भला होता कि चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह समुद्र में डाल दिया जाता। सचेत रहो। हे रब्बी, मैं अपने भाई को कितनी बार क्षमा करूं? यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा, और यदि पछताए तो उसे क्षमा कर। यदि दिन भर में वह 7 बार तेरा अपराध करे और 7 बार तेरे पास फिर आकर कहे कि मैं पछताता हूं, तो उसे क्षमा कर। प्रभु, हमारा विश्वास बड़ा। यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस जूंड के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी मान लेता। हे प्रभु, तू हमें हमारे कर्तव्यों के बारे में बता। हाँ प्रभु। पर तुम में से ऐसा कौन है जिसका दास हल जोतता या भेड़े चढ़ाता हो, और जब वह खेत से आए तो उससे कहे तुरंत आकर भोजन करने बैठ, और यह न कहे कि मेरा खाना तैयार कर, और जब तक मैं खाऊं पीऊं तब तक कमर बांधकर मेरी सेवा कर, इसके बाद तू भी खा पी लेना, क्या वह उस दास का निहोरा मानेगा कि उसने वही काम किए जिसकी उसे आज्ञा दी गई थी? इसी रीत से तुम भी जब उन सब कामों को कर चुको जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी, तो कहो हम निकम्मे दास हैं कि जो हमें करना चाहिए था वही किया है। प्रभु, प्रभु, हे प्रभु, मरियम और मार्था ने संदेश भेजा है, जिससे प्रभु तू प्यार करता है वो बीमार है। वास जो भी मसीह पिलाएगा, विश्वास जो भी मसीह पिलाएगा, उद्धार वो ही पाएगा, उद्धार वो ही पाएगा, तन और मन के दुखों से वो, तन और मन के दुखों से वो छुटकारा पल में पाएगा। ये संदेश लेकर हमारी बहनों के पास शांति से लौट जा। जी हाँ प्रभु। यीशु मार्था और उसकी बहन मरियम और उसके भाई लाजर से प्रेम रखता था, सो जब उसने सुना कि वो बीमार है तो जिस स्थान पर वो था वहीं 2 दिन और ठहर गया। तू ही आदि, तू ही अनंत।
जीवन तू ही मृत्यु पर जयवंत, तू ही मृत्यु पर जयवंत। ये कैसे हुआ? प्रभु ने वचन दिया था, फिर भी प्रभु ने क्या कहा था? उसने कहा था यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। शायद रबी का मतलब पुनरुत्थान से। नहीं, ऐसा नहीं। पुत्रस ने भी मुझे विश्वास दिलाया था। हे प्रभु, तूने कहा था कि तू हमें बहुत प्यार करता है, फिर भी मेरा भाई। प्रभु, विश्वास जो भी मसीह पिलाएगा, विश्वास जो भी मसीह पिलाएगा, उद्धार वो ही पाएगा, उद्धार वो ही पाएगा। आओ हम फिर यहूदिया को चले। परंतु हे रब्बी, अभी तो यहूदी तुझे पत्थरवाह करना चाहते थे, और क्या तू फिर भी तू वही जाना चाहता है? क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? यदि कोई दिन को चले तो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि इस जगत का उजाला देखता है। परंतु यदि कोई रात को चले तो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं। परंतु हे प्रभु, हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूं। हे प्रभु, यदि वो सो गया है तो बच जाएगा। यीशु ने तो उसकी मृत्यु के विषय में कहा था, परंतु वे समझे कि उसने नींद में सो जाने के विषय में कहा है। लाजर मर गया है। और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूं कि मैं वहां न था, जिसे तुम विश्वास करो। परंतु अब आओ हम उसके पास चले। आओ हम भी उसके साथ मरने को चले। मेरी समझ में यह नहीं आता कि उसकी बीमारी का अंत मृत्यु कैसे हो गया, जबकि प्रभु ने कहा था ऐसा नहीं होगा। कैसे हो गया इस समझ नहीं आ रहा। चलो देखते हैं, जा रहे हैं। बीमारी का अंत मृत्यु में नहीं। लाजर कैसे मर सकता है? जा रहे हैं। कौन लाजर? मैं तो बैतनी से आया हूँ। आज उसे मरे हुए 4 दिन हो गए। किंतु यीशु ने कहा था उसकी बीमारी का अंत मृत्यु में नहीं होगा। हाँ हाँ, अब तुम ही लोग सोचो। हमने तो तुमसे पहले भी कहा था कि वो एक झूठा भविष्यवक्ता है, किंतु तुम लोगों ने नहीं माना। उसने जो आश्चर्य कर्म किए उस पर विश्वास कर लिया। हाँ, और शैतानी शक्ति के साथ। किंतु आओ और चले और देखें वो अपनी झूठी भविष्यवाणी के विषय में क्या कहता है। हाँ चलो, हाँ चलो चलो चलो, देखते हैं। कौन है भाई? रबी कहाँ है? हम उससे मिलने आए हैं। वो लोग तो कुछ देर पहले चले गए। कहाँ? मैं नहीं जानता। देखा तुमने, उसने ये समाचार सुना होगा और डरकर चोरों की तरह भाग गया। हो सकता है वो बेतनिया गए हो। चलो उनका पीछे करते हैं। हाँ, और इसके इस झूठ को चारों तरफ फैला देते हैं, यहाँ तक यरूशलम में भी। तुम ठीक कहते हो। इस समाचार को सुनकर सभा भी बेहद खुश होगी। चलो हम सब गवाह के रूप में चलते हैं। बेतनिया यरूशलेम की समीप
कोई 2 मील की दूरी पर था और बहुत से यहूदी मार्था और मरियम के पास उसके भाई के विषय में शांति देने के लिए आए थे। यदि प्रभु यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। अब तो रब्बी की यहाँ आ जाने से भी कोई आशा नहीं। हाँ, आज चौथा दिन है और बुजुर्गों की मान्यता के अनुसार प्राण शरीर के पास मरने के 3 दिन बाद तक रहता है। हाँ हाँ, अब तो उसके जीवित होने की भी कोई आशा नहीं है। अब तो लाजरस निश्चित रूप से मर गया है। हे प्रभु, क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता, अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का नियुक्त होना, परंतु हाँ, ईश्वर तो अंतिम दिन जलाएगा। हाँ, धर्म शास्त्र कहते हैं और जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे। कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपनी नाम धराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। लाजर एक धार्मिक पुरुष था, जैसा कि भजन संहिता पुस्तक में लिखा है, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा और न अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। हाँ, परमेश्वर उस प्राण को अधोलोक के ग्रहण के वश से छुड़ा लेगा, क्योंकि वही उसे ग्रहण कर अपनाएगा। प्रभु आ रहे। क्या? वो नगर के बाहर है। प्रभु आ गए। क्या हुआ, कहाँ जा रही है वो? हाँ, वो कहाँ जा रही है? हे प्रभु, 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 अब तो देर हो गई, अब बहुत देर हो गई प्रभु। लाजरस को कब्र में पड़े 4 दिन हो गए। प्रभु, 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 तू कहाँ था प्रभु? प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि नहीं मरता। और मैं जानती हूँ कि तू जो कुछ भी परमेश्वर से मांगेगा वो तुझे जरूर मिलेगा। प्रभु, तेरा भाई जी उठेगा। मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वो जी उठेगा। हाँ प्रभु, मैं जानती हूँ। पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीता है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? हाँ प्रभु, मैं विश्वास कर चुकी हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो इस जगत में आने वाला था वो तू ही है। वो तू ही है प्रभु, वो तू ही है। बहन उठो, मरियम कहाँ है? मैं जाती हूँ, उसे बुलाकर लाती हूँ। प्रभु, मरियम, प्रभु यीशु आ गए, तुझे बुला रहे हैं। मेरे अनुमान से वो सब कब्र पर शोक मनाने गई हैं। आओ, हम सब वहीं चलते हैं। चलो। हालत ये हो गई है क्या? हालत ये हो गई है क्या?
इंसान की यहाँ बर्बादियों के रास्ते में हो गया जहाँ इंसान के यीशु आत्मा में बहुत ही उदास और बेचैन हो गया। तुमने उसे कहाँ रखा है? हे प्रभु, चलकर देख ले। प्यार के अपने तिनकों से बसाता है घोंसले को, सुलगी ऐसी चिंगारी, पल में जल उठा घोंसला, शमशान सा बना जीवन, इंसान को खाक कर दिया, जलते हुए जीवन को देख यीशु रो पड़ा, यीशु रो पड़ा, हालत ये हो गई। देखो वो उससे कैसी प्रीति रखता है। वो जो अंधे आदमी की आंखें खोल सकता है, क्या उससे इतना भी ना हुआ कि इस मनुष्य के प्राण ना जाते? अब कुछ भी नहीं हो सकता भैया, कुछ भी नहीं। हां, अब कुछ नहीं हो सकता। पत्थर को उठाओ। हे प्रभु, उसमें से अब दुर्गंध आती होगी क्योंकि उसे मरे हुए 4 दिन हो गए हैं। आवाज तुझको दे रहा है आगुने गारा जा, मार्ग हूँ ऐसी बुलाहट है तेरे लिए मेरे प्रभु की आस, कलवरी से बह रही है खून की जो बह रही